माँ एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया का हर बच्चा अपने मुंह से इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बोलता है। पिताजी और माताजी इस दुनिया में भगवान के वो रूप हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल कॉलेज भी भेजते हैं और हमेशा भगवान से यही मांगते हैं कि हमारा बच्चे पर कोई भी आंच न आए और उसे हर कामयाबी मिले। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर माँ न होती तो हमारा अस्तित्व ही न होता। इस दुनिया में माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है, लेकिन इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो सबसे ज्यादा खुशी नवजात की माँ को होती है। जैसे मानो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज उन्हें मिल गई हो। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। मनुष्य में ही नहीं, हर प्रकार के जीव जंतु में भी यही देखा जाता है। अगर बच्चे पे आंच आने वाली होती है तो माँ सबसे पहले आगे आ जाती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। और अगर माँ ना हो तो ये दुनिया सूखा रेगिस्तान के बराबर है। माँ को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। माँ ही ऐसी होती है जो कि बच्चे की हर स्थिति में बच्चे के साथ रहती है और उसका साथ भी देती है, रास्ता दिखाती है। ऐसे में जब एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना त्याग और बलिदान दे सकती है तो फिर हर एक बच्चे का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो हर हाल में अपनी माँ को खुश रखे और कभी भी माँ को दुख ना पहुँचाए। क्योंकि माँ को दुख पहुँचाना मतलब भगवान को दुख पहुँचाना। और जो भी ऐसा करता है वो अपने पूरे जीवन में दुखी रहता है और उसके संतान भी उसके साथ ही वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कोई अपने माँ बाप के साथ करता है। आज हम आपको ऐसे ही दो राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी माँ से हद से ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी माँ की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो राशियाँ। पहला, तुला राशि। अपनी माँ में सबसे ज्यादा प्यार करने वालों में पहला नाम शामिल है तुला राशि वाले लोगों का। आपको बता दें कि इस राशि के जातक बहुत ही अच्छी संतान माने जाते हैं और ये कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखाते हैं और हर परिस्थिति में ये अपनी माँ के साथ खड़े रहते हैं। इनके इस स्वभाव की वजह से ये अपने जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। इसके साथ ही इस राशि वालों को माँ का भी पूरा आशीर्वाद मिलता है जिससे कि इनका जीवन सुखमय बना रहता है और घर परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। दूसरा, मिथुन राशि। माँ से सबसे ज्यादा प्यार करने वालों में दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक हमेशा अपनी माँ के करीब रहते हैं और अपनी माँ से सच्चे दिल से प्यार भी करते हैं। इस राशि के जातक अपनी माँ के बिना पल भी नहीं रह सकते हैं और अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को हर समय तैयार भी होते हैं। अपने माँ के आशीर्वाद से ये लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। इसके साथ ही इनके सारे काम आसानी से भी बनते हैं। माँ के आशीर्वाद से ये अपने जीवन में सफल भी होते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।